फातिमा आ जाओ नीचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। सो जी, आज हम आए हैं आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में बच्चों को लेके। सो मैंने कहा आप लोग के लिए भी छोटा सा एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ऑलरेडी, और ठंड जो है बहुत ज़्यादा है। टिकट हमने ले ली है, अब हम अंदर इंटर होते हैं और आगे का व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अगर आप लाहौर आ रहे हैं, लाहौर में रहते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, और अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो यार सर्दी की बहुत ज़्यादा तैयारी करके आए, बहुत एक्सट्रीम ठंड आ चुकी है अभी। जी हम म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट किस्म के टैंक्स और मतलब के ठंड से बोला नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है। सो मैं आपको दिखाती जाती हूँ, ये आप देख लें। जी बच्चे जो अपने मेन काम पे लग गए हैं, मम्मा पिक्स बनाएं पिक्स बनाएं। सो इनकी भैया ये भी ठंड से स्टैचू हो चुके हैं। फिर जी अब हम म्यूज़ियम के अंदर वाले हिस्से में जा रहे हैं। शुक्र है यहाँ कुछ हम बाहर आ गए हैं। अंदर का जो एरिया था वहाँ पर आपको वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पिक्स वगैरह मैंने लिए वो मैं साथ अटैच कर दूंगी। तो ये म्यूज़ियम के अंदर के सीन्स हैं। इस तरह से आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे तमाम शहदा के नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं, अब तक के जितने भी आर्मी एयरफोर्स जितनी भी फोर्सेस के शहदा शहीद हुए हैं। और यहाँ पर ये एक कैदी की तस्वीर थी। अंदर इस तरह की मतलब कि स्टैचूज़ आपके बने हुए हैं ना, आप यकीन माने कि टैंक्स थे, टैंक्स के ऊपर जो इन्होंने सोल्जर्स वगैरह बनाए हुए हैं वो मुझे बिल्कुल एकदम रियल लग रहे थे, मतलब बहुत परफेक्टली इन्होंने बनाए हुए हैं। और पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक की तमाम एयरफोर्स आर्मी तमाम का जो है ना अंदर डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह के जो है चीज़ें इन्होंने जो है बनाई हुई हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छी। अच्छा ये ट्रेन जो पाकिस्तान के वक्त मतलब जब पाकिस्तान बना था उस टाइम जो महाजिर आए थे, यार ये इतनी रियल है कि इसके साथ रियल पीपल्स भी खड़े हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पता चलता कि यार ये मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई हुई है। अच्छा जितनी भी वॉर्स हुई हैं 71 की 65 की 75 की जितनी भी वॉर्स हैं उनके उन्होंने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, आप अंदर जाएंगे देखेंगे वहाँ पर उनकी हिस्ट्री आपको पता चलेगी। साथ जो है ये सियाचिन का इन्होंने एक अलग से कैबिनेट बनाया हुआ है कि सियाचिन में किस तरह से सिपाही रहते हैं, मतलब वहाँ का जो है उन्होंने तमाम बताया हुआ है, डिज़ाइन करके दिखाया हुआ है। उसके बाद जी APS के जो मतलब शहदा हैं जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, उनकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पर है। अच्छा यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुस्लिम्स के अलावा जितने नॉन मुस्लिम भी सोल्जर्स एयरफोर्स आर्मी में थे उनके लिए भी यहाँ पर जो है इस तरह से ट्रिब्यूट किया गया था, उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी। ऊपर जा रहा है, देखो फातिमा गया ऊपर। क्या ये टैंक जा रहा है? कौन सा? ये गया, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी आप करती जाओ। इस तरह की टैंक्स के साथ जो है स्टेयर्स अटैच की हुई हैं ताकि आप बच्चे वगैरह इस पर चढ़ भी जाएं और पिक्स वगैरह ले लें। यहाँ पर बाहर जो है वीडियो बनाना भी अलाउ है, पिक्स भी ले सकते हैं। अंदर जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, तमाम आर्मी की जो हिस्ट्री है वो आपको जो है अंदर देखने को वॉर्स वगैरह की सब मिल जाती है, लेकिन पिक्स वगैरह अलाउ नहीं है। सो बाहर ही जो है मैं ज़्यादातर जो है वीडियो मैंने बाहर ही बनाई है। यहाँ पर लाइन के साथ इस तरह से टैंक लगे हुए हैं।
अच्छा जी, ये वो पॉइंट था जहाँ पर मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर हुआ कुछ इस तरह के सीन था कि फातिमा और हानिया जो है जिस तरह से हर टैंक पे चढ़ी थी, इस टैंक पे भी चढ़ चुकी थी, लेकिन ये टैंक अंदर से जो था एक बहुत बड़ा सा सुराख बना हुआ था और ये जो है डर गई थी। अब ये उतर नहीं पा रही थी और उतरना तो बहुत आसान था, लेकिन पता नहीं मेरी और मेरी भाभी और अम्मी की हंसी ही नहीं बंद हो रही थी। हम हंसे जा रहे थे और ये रोए जा रही थी और रो रही थी। ये आगे अगले सीन में आपको दिखाती हूँ मैं। फातिमा आ जाओ नीचे। अच्छा जी, हंसने का हमें ये इनाम मिला कि मेरी भाभी की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेइज्जती हुई। अब्बू आए, अब्बू ने कहा कि बच्चे फंसे हुए हैं और आप लोग की हंसी नहीं रुक रही। सो अब्बू जो है एक दो स्टेयर्स पे ऊपर हुए और फातिमा और हानिया को उतार लिया और इस तरह से जो है हमारी थोड़ा सा जो है ना फन क्रिएट हो गया। ये देखिए मैं खड़ी हुई हूँ। हानिया कहाँ पहुँच गए हम? हानिया बोलो, हम लाहौर जा रहे हैं। हम लोग मियाँ वाली जा रहे हैं, मियाँ वाली। म्यूज़ियम से फ्री होने के बाद हम आ गए थे लाहौर के शॉपिंग मॉल एम्पोरियम शॉपिंग मॉल में। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, 2017 की बात है, और अब मैं जब आई हूँ तो ये फुली कंस्ट्रक्ट हो चुका था। और यार इसको बहुत अच्छा जो है इन्होंने बनाया है, इसकी जो है डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी विंटर्स के लिए और स्पेशली जो है न्यू ईयर के थीम को इन्होंने रख के इसको डेकोरेट किया। तमाम ब्रांड्स ने सेल लगाई हुई थी, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स पे बहुत ऑफ चल रहा था, किसी पे 40% 50%। सो यहाँ पर जो है मैंने बच्चों की पिक्स वगैरह भी ली, इनकी डेकोरेशन जो है ये जो थी आई थिंक 25 दिसंबर की उसमें की हुई थी। यार ये ड्रेस मोटिव्स ब्रांड पे पड़ा हुआ था, ये इतना कोई प्यारा लग रहा था, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी। अच्छा, आप इस बात से भी रिलेट करते होंगे कि अगर आप जाते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल में, अगर आपने कुछ नहीं भी परचेस करना होता तब भी आप मिनी सू की शॉप पे ज़रूर जाते हैं जस्ट उनकी चीज़ें देखने के लिए। बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, लेकिन अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। मीन्स के इतने छोटे छोटे से क्लचेस थे, पर्सेस थे, यार वो कोई 2500, 3000, 4000 इस प्राइस की रेंज में पड़े थे। बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं उनकी चीज़ें, लेकिन यार इतनी क्यूट लगती हैं कि जाना तो बनता है। उसके बाद जी हम आए थे सर्विस की शॉप पर और आपको पता है बहुत जाना माना ब्रांड है, यहाँ पर 40% ऑफ था। 40% ऑफ के बाद भी आपको मैं बताऊँ जूतों की प्राइसेस क्या थी, अगर आप ये सुनेंगे ना तो आपने हो जाना शॉक्ड, बिल्कुल 100% शॉक्ड हो जाना है, क्योंकि यार अगर 40% ऑफ के बाद इतनी हाई प्राइसेस है तो यार इनकी रेगुलर प्राइसेस में कौन इनसे परचेस करता होगा। मतलब कि जूते जो हमें पसंद आ रहे थे वो 45% ऑफ के बाद आपको मिल रहे थे 5000, मतलब कि 4500-5000 की रेंज में आपको 40% ऑफ के बाद। इन जूतों की मैं बात कर रही हूँ, ये जो ग्रे जूता था ये अम्मी को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन यार ये ऑफ़ के बाद भी इतना महंगा था। तो मैं यही बात कर रही थी कि यार इनसे रेगुलर कौन लेगा, इनसे तो अच्छे फिर अगर बात की जाए एंडियोर अच्छा है, अगर आप और भी देखना चाहें स्टाइलो ब्रांड है, मॉडीला है, मतलब वहाँ पर आपको प्राइसेज रीज़नेबल मिल जाती हैं। इनके जूतों के डिज़ाइन अच्छे थे लेकिन प्राइसेज बहुत हाई फाई थी। उसके बाद जी हमें लग गई थी भूख और हम आ गए थे कारफोर में। आपको पता है यहाँ पर जो है आपको फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं और सबसे पहले जो हमें यहाँ से फ्रेश नमक पारे मिले, हमने वो लिए, वो वहाँ पे खाए। सर्दी में वैसे भी नमक पारे बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर बेकरी आइटम तमाम किस्म के मौजूद हैं, आपको जो मर्ज़ी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर जो है तमाम जो है आइटम जो थे मतलब कि स्नैक्स के रिलेटेड थे, यहाँ पर बहुत से किस्म के सैलेड, चाट वगैरह हर चीज़ मौजूद थी। बंदे को इतना मुश्किल होता है कि यार क्या खाए क्या ना खाए, आप सब कुछ तो खा नहीं सकते। सो हमने क्या किया, यहाँ से हमने चना चाट भी ले ली थी और हमने यहाँ से जो है चाउमीन भी ले ली थी। उसके बाद जो है हमने आगे से नमक पारे ले लिए थे। पहले हमने अपनी की पेट पूजा, उसके बाद कोई दूजा काम। खाना हमने यहाँ से नहीं खाया था क्योंकि हमने खानी थी फ़िश और फ़िश खाने के लिए हम आए थे बट कढ़ाई पे। यार इनकी फ़िश बहुत बहुत मज़े की फ़िश थी, बहुत टेस्टी थी। एक जो है हमने जो ले ली थी ग्रिल और एक जो ले ली थी हमने फ्राइड भी ले ली थी। साथ जी बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा ले लिया था क्योंकि बच्चे आपको पता है फ़िश वगैरह ज़्यादा लाइक नहीं करते। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा और यार अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर दो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। अपना और अपने
प्यारों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।